शनिवार को डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से मात दे दी है। यह मुकाबला चीन के हुलन बोयर के मोकी होके ट्रेनिंग बेस में खेला गया। भारत की इस शानदार जीत के नायक रहे कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने दोनों गोल लगाकर भारत को जीत दिलाई है। यह भारत की इस टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत है, जिससे भारत पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। पाकिस्तान ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आज का मुकाबला उसके लिए निराशाजनक साबित हुआ। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। खेल के 7वें मिनट में पाकिस्तान के अहमद नदीम ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। यह गोल शाहिन के शॉट से आया, जिसे नदीम ने डिफ्लेक्ट कर गोल में तब्दील कर दिया। हालांकि भारत ने जल्द ही वापसी की। 13वें मिनट में टीम इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बरकरार कर दिया। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत होते ही भारत ने एक बार फिर से बढ़त बना ली। 19वें मिनट में अभिषेक के इंजेक्ट पर हरमनप्रीत सिंह ने गोल पोस्ट के सेंटर में शॉट लगाते हुए दूसरा गोल किया। यह गोल अंततः निर्णायक साबित हुआ और भारत ने इस मुकाबले में 2-1 से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि एशियन चैंपियन ट्रॉफी में यह भारत की पाकिस्तान पर 8वीं जीत है। दोनों टीमों के बीच अब तक 12 मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें से पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 2 मुकाबले ड्रॉ कर दिए। इस जीत के साथ ही भारत ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह और भी मजबूत कर ली है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या टीम इंडिया इस फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक बार फिर से ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर पाएगी। बने रहिए हमारे साथ।